नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल के लिए ब्यूरो कैमरामैन शाहिलानंद के साथ अरुण वर्मा का रिपोर्ट। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रोड शो कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, फिल्म स्टार एवं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा तथा बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा रोड शो कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकारी अध्यक्ष अखिलेश कुमार विद्यार्थी उर्फ अखिलेश यादव द्वारा विभिन्न टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोले पढ़े। एग्डूट राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल देख लाइक शेयर करें, साथ ही पल पल खबर के लिए बने रहे जैगडूट न्यूज काम पोर्टल पर। जगदूत न्यूज एजेंसी आपके साथ। नसीम रब महानगर पटना और ये जानबूझ के ये किया है और हम जीतेंगे लगभग 2.5 लाख वोट से शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से जीतेगा और पूरे हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। पूरे बिहार से भी कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं और ये दिखा देंगे कि 72,000 रुपया गरीबों को हम देंगे और किसानों के लिए अलग आयोग बनाएंगे, शिक्षा के लिए अलग गारंटी देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे और ये सब काम करेंगे और मोदी की तरह 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का झूठा वादा नहीं करेंगे, 15 लाख देने का झूठा वादा नहीं करेंगे। हम जो बोलेंगे वो करेंगे, क्योंकि 2009 में हमने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया था। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सच्ची पार्टी है और भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी। दो उंगली दिखाइए ना। मैं खगड़िया से हूँ और बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी सैलाब लोग रात के पास वाले कम से कम इतना कंजूस ना हो। एनडीटीवी वाले कितना अच्छा दिखाते हैं, जीटीवी वाले बिके हुए हैं। मेरा कहना है कम से कम दिखाइए। और राहुल गांधी जी ने योजना चलाई है, मैनिफेस्टो में चलाया है, 72,000 रुपया 5 करोड़ लोगों गरीब लोगों के माताओं के खाते में जाएगा सालाना और 6,000 महीना हुआ। उसके अलावा किसान के लिए देखिए राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो में डाला है कि अलग से जैसे रेल मंत्री के मंत्रालय का बजट चलता है, किसान के लिए अलग बजट। और ये मोदी सरकार ने क्या किया, 15 लाख रुपया कहाँ मिला 2014 घोषणा कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिला। और राहुल गांधी जी 20 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। आइए हम और बात करते हैं। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध है, यहाँ भाजपा का कोई औकात कोई क्षमता नहीं है और बिहारी बाबू की क्षमता है, वह जिधर जाएंगे जीतेंगे। और कांग्रेस में आए हैं, उनकी पकड़ है, उनकी पहुँच है, युवाओं में पहुँच है। पूछिए इन युवाओं से, सारे युवा युवती, कल भी सोनाक्षी सिन्हा का रोड शो है होगा उसमें भी, लेकिन बिहारी बाबू का जो है वो ईमानदार आदमी है और सारे जाति धर्म के लोग उनको वोट दे रहे हैं। और आपको आयोजन लगेगा 6 विधानसभा में 4 विधानसभा में वो 40,000 वोट से लीड कर रहे हैं और जगह सारे जाति धर्म ऑपोजिशन में खड़े हैं। रविशंकर प्रसाद जी, उनके बारे में आप बोलना चाहेंगे? देखिए, रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री हैं लेकिन जनता से घिरे नहीं रहते हैं, वो जनता के बीच बिल्कुल नहीं रहते हैं और वो कानून मंत्री हैं, सब दिन राज्यसभा सदस्य रहे, जनता से कोई मतलब नहीं। एक नंबर का कहा जाए कंजर और कंजूस आदमी है वो, और वो पॉपुलर भी नहीं है। वो जनता के बीच 6 साल से राज्यसभा सदस्य हैं, 2 साल राज्यसभा सदस्य हुआ है, 4 साल राज्यसभा सदस्य बाकी ही है। हम कहते हैं उस वर्ग के लोगों से जिस वर्ग से रविशंकर प्रसाद और सिन्हा जी आते हैं, अरे भाई रविशंकर प्रसाद हार भी जाएंगे तो 4 साल सांसद ही रहेंगे और वो केंद्र में मंत्री अब तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप तो जिताइए। एक फिल्मिस्तान हीरो और पॉपुलर आदमी जो बिहार के लिए जो मोदी को चुनौती दिया है कि भ्रष्ट मोदी को भगाओ, इसलिए कि बड़का झूठा पार्टी का नेता मोदी है, हर जगह दंगा फसाद करने वाला मोदी है, 15 लाख का वादा करने वाला झूठा मोदी है, 2 करोड़ का बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करने वाला मोदी है, हर तरफ झूठा है।
यूपी बिहार सब जगह भाजपा साफ है और हमारी पार्टी कांग्रेस निश्चित रूप से विजय होगी। आप 23 मई का चुनाव राहुल गांधी जिंदाबाद मोदी तेरी तारा साहिब।